अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। यार अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि ये टूटा हुआ है तो यहाँ से कोई नीचे ना गिर जाए, ये दिया तो बुरा होगा। यार अभी मैंने नीचे जाना है, चलकर नाश्ता वगैरह करना है और फिर हम देखते हैं कि हमारी ट्रेन कहाँ पर पहुँची है और हमें कब यहाँ से निकलना है। और तब तक ना मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे बैग में कोई ऐसी चीज़ कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो रखने वाली। मोबाइल का चार्जर, लीड और पैसे भी है, ये क्या जो भी है ये भी है, इधर सब कुछ पूरा है। 2 hours later अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। ये एड्रेस है, इधर देखिए रश कितना ज़्यादा है और इधर बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा है। वो देखिए ये हमारी ट्रेन का इंजन घूम रहा है, इसके साथ अभी डब्बे लगेंगे और फिर ये प्लेटफॉर्म पर आएंगे। डब्बे मैं तो थक गया हूँ कि मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ। ये देखिए ट्रेन आ चुकी है। बिल्कुल सामने आ गई है, पीछे इसके डब्बे भी लग चुके हैं। देखिए क्लास में जाना है, हमें तो बहुत दूर जाना है फिर। हाँ गर्मियों में ऐसी क्लास है, ऐसे स्टैंडर्ड में बैठ सकते हैं, हमें तो फिर बहुत दूर जाना है अभी। यार इधर अचानक से इतना ज़्यादा रश हो गया, मुझे तो लगता है हम तो गेम पे रह जाएंगे, ट्रेन निकल जाएंगे। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे खालू गए आगे जाके देख रहे हैं कौन सा डब्बा है, क्योंकि हमें तो कोई समझ नहीं आ रही। ओ भाई यहाँ आगे के डब्बे ही ख़त्म हो गए, वो देखें ट्रेन आगे निकल गई है यहाँ से डब्बे छोड़ के, ये क्या बात हुई। चलो हम तो चले अब उस तरफ। अच्छा तो मुझे अब समझ आई वो डब्बा क्यों आगे गया था, क्योंकि अभी दरमियान में डब्बे ही नहीं लगे। ये देखिए यहाँ पर भी ट्रेन का डब्बा खड़ा है और इसके अंदर ये चार पहिया पड़ी है, पता नहीं इसके अंदर कौन सा है। हाँ ये टायर है, मुझे पता है, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। हाँ नहीं पता, इधर बदमाशी ना किया करो। अच्छा ना करता हूँ, ट्रेन दोबारा चल पड़ी, डब्बे आए डब्बे जुड़ गए डब्बे। चलो आ जाओ यार आगे चले, आ जाओ मेरा हाथ पकड़ लो, गुमना हो जाना। हाँ बहुत छोटा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है, सबसे बड़ा इंसान है, तो कोई गाड़ी वगैरह ले लो ना, हम लोग ही साथ चला करेंगे गाड़ी में आराम से, इधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। चलो चलो चलो, अभी हम लोग वहाँ से चलकर यहाँ पर आए हैं, अभी बोगियाँ सारी यहाँ से रिवर्स होकर आएंगी और यहाँ पर जाएंगी, तो अभी हम लोग यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं आराम से। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, चलो आती है तो मैं आपको बताता हूँ, लगता है इसी ट्रैक पर ही आ रही है। देखिए ये इंजन उधर को जा रहा है, इंजन अपनी मस्ती में जा रहे हैं, जुड़ रहे एक तो इसका हॉर्न इतना ऊंचा है और इसके पीछे जो डब्बे घूम रहे थे। यार उस ट्रेन के इंजन ने डब्बे पता नहीं किधर छोड़ दिए और खुद भी पता नहीं किधर चला गया, कुछ समझ ही नहीं आ रही मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है बस ऐसी ऐसी तरीके क्या की जाए। ऊपर से गर्मी भी इतनी ज्यादा लग रही है मुझे, ठंड हो रही है।
एक तो ये वाले अंकल भी इतना ऊंचा ऊंचा बोली जा रहे हैं, और यार कल इतनी ज़्यादा ठंड थी, बारिश ही हुई जा रही थी, और आज धूप नहीं ख़त्म हो रही, गर्मी से बुरा हाल है। अब हल्की हल्की हवा चलना चाहिए। चलो मैं अभी आँख खुला होकर बैठ जाता हूँ। वो आ गए, आ गए डब्बे, आ गए डब्बे, आ चुके हैं। बारह नंबर है, देखिए तो 12 हो गया, 12 ये 11 नंबर आ गया। मुझे लगता है हमें उठ के दौड़ लगानी पड़ेगी इस तरफ को, क्योंकि वो 10 नंबर आ चुका है। वो हम के जैसे ही ट्रेन सामने आई है, हड़बड़ी मच गई, जिसको भी देखो अंदर चढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ट्रेन रुक जाएगा, इंतजार नहीं कर रहे। 10 नंबर, 9 नंबर उधर है, फिर 8 नंबर आएगा, तब तक हम वेट करते हैं। अच्छा चलने चलेंगे, हमारा सामने 9 नंबर। नौ नंबर है ना, 9 नंबर हो गई, 8 नंबर हो गया। वो देखिए, वो 8 नंबर होगी जिसके घर में जाना है। अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। स्टेशन पर बहुत ज्यादा रश था, इसलिए मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सका था। अब हमारी मुलाकात घर में ही होगी। After reaching home, मैं अपने बर्ड्स के लिए समोसा लेकर आया था, मैं इनको खिलाता हूँ। आजो भाई, ये लो खा लो, तुम्हारे लिए ही है, मजे से खाना। देखिए हमारे कुकटेल और सारे बर्ड्स अभी मजे से बैठे हैं। मगरिब की अजानें भी हो चुकी है और हम भी बहुत ज्यादा थक गए हैं, अभी हमने रेस्ट करनी है, इसीलिए आज के ब्लॉग का हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो हमारे इस ब्लॉग को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।